कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए जो गाड़ी लेके आए हैं उसका इंट्रो तो मैं क्या ही दूंगी आपको। ये वो फैबुलस व्हीकल है जो आज की डेट में, क्या जब से ये गाड़ी आई है मार्केट में, जब से ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है तब से लेकर आज तक इसको ना ही कोई कॉम्पिटिटर मिला है और ना इसका कोई कॉम्पिटिशन है और ना ही इसे कोई बीट कर पाया है। बीट ना कर पाने के बहुत सारे रीज़न हैं। नंबर वन रीज़न इज़ इट्स इंजन। अगर आप इंजन की बात करेंगे तो रोल्स रॉयस वो कंपनी है जो आज की डेट में जेट प्लेन्स के इंजन बनाती है, तो आप सोच लीजिए कि गाड़ियां कहां से बीट करेंगी इससे। इस गाड़ी की डिटेल्स में जाने से पहले आपको मैं बताती हूं कि रोल्स रॉयस है क्या चीज़। रॉल्स चार्ल्स रॉयस हैं और हेनरी रॉयस, जो रॉयस यहाँ पे नाम लिया गया, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की थी मैनचेस्टर में रॉल्स रॉयस के नाम से। इनिशियली इन्होंने मोटर यूनिट अपना स्टार्ट किया था, लेकिन तब से ही इनके अंदर कुछ कीड़ा था कि ये तब से इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे प्लेन्स के लिए, जो आज की डेट में इनका हिट शो है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं आपको उनमें दिखाई देगा, एयर बसेज में, प्लेन्स के अंदर रॉल्स रॉयस मेंशन किया जाता है। वो लिखा सिर्फ नाम के लिए नहीं गया है कि कुछ लग्जरी है, लग्जरी की बात नहीं कर रहे वहाँ पे, वो इंजन की बात कर रहे हैं। ये जो स्टैचू है इसे बोला जाता है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। इसकी स्टोरी भी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। ये गाड़ी वॉक्सवैगन ने खरीद ली थी 1998 में, उसके बाद 2003 में BMW ने इसको अंडरटेक कर लिया था, लेकिन ये जो स्टैचू है ये वॉक्सवैगन ने उनको नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उनको पता था कि रॉयल्स रॉयस इस स्टैचू के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी और इसको ख़रीदने के लिए बाद में BMW ने $40 मिलियन स्पेंड किए और वो दिए गए ऑब्वियसली वॉक्सवैगन को। और अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे फैंटम की, तो देखिए ये इसका सबसे हाईएस्ट सेगमेंट वेरिएंट है, दिस इज़ रॉयल्स रॉयस फैंटम। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं रॉयल्स रॉयस की वो इससे डाउन ही हैं। उनके प्राइजेस की अगर आप बात कीजिए, फीचर्स की बात कीजिए, इंजन की बात कीजिए, हर चीज़ में वो इससे नीचे है। ये सबसे टॉप एंड है इसका, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम क्रोम की बात करेंगे, हम लाइट्स की बात करेंगे, एवरीथिंग इज़ टॉप एंड। लेकिन जो लुक है हमारा उसको क्लासिक रखने की कोशिश की गई है ताकि गाड़ी ऑन रोड अपनी प्रेजेंस को बहुत अलग से नोट कराए। फ्रंट ग्रिल की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज़ योर आइकॉनिक रॉल्स रॉयस ग्रिल, जो बहुत स्मार्ट लग रही है। इसमें फ्रंट में आपका पार्किंग कैमरा दिया गया है, ये कार आपकी 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के साथ आती है। नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, नंबर प्लेट की जगह है। और आपके सरप्राइज़ के लिए आपको बता देती हूँ कि जो इसके अंदर लाइट्स यूज़ की गई है, दीज आर नॉट LED, दीज आर नॉट लेज़र, दीज आर प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स। लेकिन जो प्रोजेक्टर भी है उन लैम्प्स का लेवल इतना हाई है कि हमारे LED और लेज़र को भी फेल करेंगे, तो जो कार की लाइट्स का थ्रो है दैट इज़ सुपर्ब। इसके नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल दी गई है और जो आपको वेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना कि ऊपर भी इतना सारा वेंट आपको दिया गया, ह्यूज साइज वेंट दिए गए हैं, नीचे भी आपको रेडिएटर ग्रिल दी गई है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न है इसका इंजन। इस कार के अंदर 6.6 लीटर 12 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है। ये कार सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आती है, डीजल में अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की, स्पेक्स में अगर आप पावर की बात करेंगे, पावर इज़ 612 हॉर्स पावर। और अगर आप टॉर्क की बात करेंगे, और टॉर्क की अगर आप बात करेंगे तो इस कार में आपको टॉर्क मिलेगा 840 न्यूटन मीटर का, जो आप अचीव कर लेते हैं जस्ट 1650 RPM पे। तो इमेजिन कीजिए कितना पावरफुल व्हीकल है ये, कितना स्ट्रॉन्ग इंजन इसके अंदर लगाया गया है। तो इंजन को थोड़ा कूल डाउन रखने के लिए इसका ये जो ग्रिल स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा ब्रॉड बनाया गया, वाइडर बनाया गया। और अगर आप बोनट की बात करेंगे कि इसका साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इट इज़ रियली वेरी ह्यूज। 1/3 ऑफ द कार साइज़ जो है वो आपका बोनट में ही है, और जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन प्लेस किया गया है। आप चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे यहाँ पर 22 इंचेस अलॉय व्हील्स का यूज़ किया गया है, दीज आर लो प्रोफाइल टायर्स। और जो ये रॉल्स रॉयस का बीच में ये बैजिंग है ये स्टिल रहती है, अगर टायर मूव करेगा तो आपको ये जो RR है ये स्टिल दिखाई देगा, ये साथ में मूव नहीं करता है। रॉल्स रॉयस की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये है इसका ORVM, यहाँ पे आपको इसका कैमरा दिया गया है। इस कार में आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है, क्रोम डोर हैंडल्स आपके पास हैं, यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। ये जो कार की डिज़ाइनिंग है ये क्लासिक डिज़ाइनिंग है, इसमें आजकल के फीचर्स को मैच किया गया है लेकिन डिज़ाइनिंग को पुराना रखा गया विंटेज कार का लुक देने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ऐसी दिखाई देगी, बहुत सारे हैंड्स, बहुत सारे सेगमेंट्स जो आपको कुछ पुराना टाइम याद दिलाएगी लेकिन बहुत क्लास के साथ। ये है इसका फ्यूल टैंक, इस टैंक की कैपेसिटी इज़ 100 लीटर्स और ये जो आपको एवरेज देता है दैट इज़ 9.8 और दिस इज़ एज़ पर AR AI। अगर आप नेचुरली बात करेंगे या रियल में बात करेंगे इसकी
तो इट इज़ अप्रॉक्स 8। अब चलते हैं इसके बूट पे। ये है इस कार का बैक प्रोफाइल जो बहुत सिंपल सा है, बहुत सोबर सा है, लेकिन आपको बहुत रॉयल लुक देता है। सबसे ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना दिया गया है, आपके डिफॉगर्स हैं, और जो क्रोम का भी आप यूज़ देखेंगे ना वो भी बहुत मिनिमम है। बहुत ज़्यादा में एक्सेस में इस कार को फ्लैश ही नहीं किया गया है, बहुत सोबर एंड पे इसको रखा गया, सोबर साइड पे इसको रखा गया है। एंड यस, इन टोटल सुपर्ब व्हीकल। ये इसके LED टेल लैंप्स हैं, नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स बैक पार्किंग कैमरा। अब रोल्स रॉयस फैंटम का बूट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है ये, आप की से भी ओपन कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया आप वैसे भी कर सकते हैं। ये है इसका बूट स्पेस जो बहुत ही ह्यूज, आपको बहुत सारी जगह मिलती है। इसमें कार का कवर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं एंड तक इसमें बहुत जगह दी गई है, और इसके अंदर ये पूरा कारपेट बिछा हुआ है, तो ताकि हर जगह इसमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी आप डिसअपॉइंट ना हो। अब चलते हैं कार की रियर सीट्स पे। रियर में जाने से पहले सबसे पहले इसका डोर देखिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स साइज, कि हमारे कैमरा के एक फ्रेम में आ ही नहीं रहा है ये। डोर को ओपन करते ही जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला फैक्टर आपको दिखाई देगा, दैट इज़ वाओ। हम लोग बोलते हैं बहुत लग्जूरियस है, बहुत ओवर लग्जरी है, अबव लेवल है, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है, नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर हर लेवल क्रॉस है आपका लग्जरी का, सुपर 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 लग्जूरियस बोलूँगी मैं ऐसे। सी द कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं जो आपके सन ब्लाइंड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सन ब्लाइंड इसमें गिवन है। ये आपका विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन है, हॉट एंड कूल आप इसकी हेल्प से करेंगे। ब्लोअर दिया गया है, और इसकी हेल्प से आप अपने ब्लोअर की स्पीड को सेट करेंगे, मीडियम, सॉफ्ट, हाई, वट एवर यू वॉन्ट। ये आपके पास क्रोम डोर हैंडल दिया गया है। नीचे की साइड में आपको दो मेमोरी ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये जो बटन है दिस इज़ फॉर थाई सपोर्ट। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका अमेजिंग स्काई रूफ। सी, आजकल लोग आफ्टर मार्केट बहुत लगवाते हैं ऐसे, लेकिन जो रियल टेक है इसका वो इन्वेंट किया है रोल्स रॉयस ने ही, और उसका फ़र्क आपको बहुत क्लैरिटी से पता चलता है। ये है इस कार का सुपीरियर इंटीरियर, अमेजिंग है ये कार। और ये देखिए यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये, इसके अंदर आपके कार के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, लाइक हेयर, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको सीट एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आपके मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर इसके अंदर छोटी सी स्टोरेज दी गई है अलॉन्ग विद दिस 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। और ये चार्जिंग सॉकेट देखिए कितना स्मार्ट है। इसके पीछे एक और ओपनिंग है, आप इसको ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसके पीछे आपका फ्रिज है। ये आपके शैम्पेन ग्लास है, और पीछे अपनी शैम्पेन की बॉटल रख सकते हैं। तो लग्जरी अनदर लेवल, और अगर आप बोले ना हेवन ऑन अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो सिट इनसाइड रोल्स रॉयस। ओवरऑल एम्बियंस की अगर हम बात करें तो सुपर्ब है, और जो सबसे सामने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है वो है रोल्स रॉयस वॉच, जो लेजेंडरी वॉच है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो कैबिन है दिस इज़ कम्प्लीट साउंड प्रूफ। अगर आप पीछे बैठे हैं तो ड्राइवर को जो आगे बैठे हैं उनको आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आगे वाले पैसेंजर्स की पीछे सुनाई नहीं देगी, लेकिन सपोज़ आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से, आपको ओपनिंग दी गई है, यू हैव टू सिंपली प्रेस दिस, और यहाँ पर ये पैसेज बन जाता है। आपको कुछ देना है, लेना है या बात करनी है तो इसके थ्रू आपकी वॉइस पास ऑन हो जाएगी। ये सामने आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन्स दिए गए हैं, इसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं इसको हॉटस्पॉट बना के, और इससे डोंगल वोंगल सब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं।